और प्रेशर हुई जब पानी डलन लाग रहे और पानी वापस नहर के अंदर जान लाग रहे है। एक आदमी ने 1200-1300 रुपया दिहाड़ी मिलने गिरजेगी। अरे साधु वाली की गाजर इतनी फेमस का है ना, तो दवाई डले ना इन अंदर खाद डले। अगर ये मशीन ने झुंझुनू साइड का लेके जान तो अब जी बीजेपी सरकार आई है बनवाने छूट दे दी मारो कोई पीसो को लगन लाग रहे हो। रोजा ने कम से कम भी 500 ट्राली माटी नहर के अंदर जा रही है। तो बीजेपी सरकार होते खुश हो यहाँ कोई लाइट भी नहीं है रात को, जो जमींदार परेशान हो रहा है धोने दो उसको। 70% सब्सिडी मशीन पर दे है। दिक्कत है राज्य सरकार से नहीं, हमें दिक्कत है सिर्फ पंजाब सरकार से। आलू गोभी गाजरा साडा पिंड सादरा इथे है यही गाजरा। राम राम जी। मुख्य पूछल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और श्री गंगानगर के अंदर जो बहुत ज्यादा गाजर फेमस थी वो गांव है साधुवाड़ी। साधुवाड़ी के अंदर आज मैं आया हूं और अड़ेवा पास बातचीत करा तो काफी सारा खेत भी है आसपास में, पर यह जो नहर जारी है ये पूरा नहर का चारों मेर पल्ला पासा भी थे देखोगा और उल्ला पासा भी जब देखोगा तो भाई गाजर ही गाजर धोन लाग रही। और श्री गंगानगर की साधुवाड़ी की गाजर ही बहुत ज्यादा फेमस थी। और बतायो जा है कि पूरे राजस्थान पूरे भारतवर्ष में साधुवाड़ी की गाजर ही बजावी ही। और भाई वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करता रहिया करो क्योंकि मैं थाने एक 10 मिनट को वीडियो दिखावा हाँ पर एक के पीछे 3-4 घंटा की मेहनत हुआ। तो प्लीज वीडियो शेयर करया करो और लास्ट तक जरूर देखा करो। तो भाई ये जो साधुवाड़ी की गाजर ही मैं दिखाने लग रही हूँ देखो एकदम अच्छी तरीका आने जो कट्टा ही बोरी ही बाकी अंदर पैक करके और लगा दी हूँ ऊपर रस्सी हुई वह पैक कर दी ही। अड़ीन देख सको कि बहुत सारा दिहाड़िया ही वही जा लाग रही भाई अपनी मजदूरी भी कर रही काम भी कर रही। गाजर की मशीन में थान दिखा दू इन दुफन लाग रही थी गाजर अड़ीन आवेंगी अभी सारी की सारी गाजर ही वह अड़ीन आवेंगी अभी के अंदर यहाँ कट्टो है बोरी है वह भरी जाए यहाँ अपना हाथ लो करके अभी जाए गाजर है वह दुफन लाग नहीं देखो। अरे बोरी आई बोरी ने बिल्कुल एकदम अच्छी तरीका फिट कर दी और जाए गाजर दुब दुब की आगन आ गई और भी का बाद में यहाँ हाथों या सरकार सरकार की और फिर गाजर ही भाई के अंदर डाल दी ही। और जो छोटी मोटी गाजर हुई बिल्कुल छोटी छोटी सी गाजर हुई ही जो को कचरो पड़ा है पिछाऊ जो की या पूछड़ी अपनी लोकल वास्तव पूछड़ी वो लग रही भैया इनके बोली लास्ट वाली चूरा बोलते हैं गाजर इसका चूरा ये लास्ट वाली को स्पाई होती है जी वही मारी तरफ तो पूछड़ी बोल लग रही गिरकागनों में तो यही नाम सुनियो हो। या मशीन लाग रही है मशीन के अंदर पानी जा रहे है बड़ेनो प्रेशर पानी लायो जा रहे है और प्रेशर हुई जब पानी डलन लाग रहे और पानी वापस नहर के अंदर जान लाग रहे है। और ये देखो गाजर दुखन दुफन लाग रही गाजर और ये पूरा को पूरा कचरो पड़न लाग रहे है। गंगानगर है वो थान पता ये पंजाब के टच में और पंजाब में इतनी मशीन ही तो गंगानगर हनुमानगढ़ में तो होनी ही। और अच्छी तरीका हूँ देखो या बोरी आई बोरी ने डिसाइड करी और अब गाजर फटाफट गाजर घाल की 1 मिनट ही कौन लागे पूरी गाजर डाल के और भी के बाद में कट्टो है या जो बोरी है भी के अंदर फिक्स हो जाए और पूरी मशीन या लाग रही है। और अड़िन यो जो ते देख रहे होगा या ट्रॉली है थान पता है की भाई गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ चिकनी मिट्टी हुआ है बालू रेत कोनी हुआ है तभी इतनी अच्छी फसल भी हो है। तो यह चिकनी मिट्टी है अच्छी तरीका हूँ जो रोलर है भी के अंदर साफ होगी तो एकदम रेड गाजर है वह हो जाएगी। डेगा काफी सारा किसान ही बनुआ वह बातचीत है वह जरूर करांगा। और थोड़ी देर पहले एक थे कौन सी कहावत ही जब बोलन लाग रहा है साधुवाड़ी के बारे में बोल की बताओ एक बार। जैसे हम बोल रहे थे आलू गोभी गाजरा साडा पिंड सादरा इथे है यही गाजरा इको मतलब साधुवाड़ा अपने पिंड है आलू गोभी गाजरा साडा पिंड सादरा इथे है गाजरा। तो देखो कितनी अच्छी कहावत बोली है। और भाई जो जो दिहाड़िया लोग ही बने अच्छी तरीका पेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम मिल जाए। हाँ जी हाँ जी पेमेंट वगैरह सारा कुछ मिलता है पेमेंट दिहाड़ी करते हैं सारा मजदूर मिलता है मतलब दिहाड़ी भाई मजदूर लोगों का भी अच्छी कमाई हो रही है अच्छी कमाई हो रही है सब कुछ हो रहा है। कोई सरदान है जैसे हम रेडी पे बैठे हैं कोई हमारा पैसा नहीं रुकना ना और रुकना सब कमाई अच्छी मर रही है मतलब ये जो भी लोग ही भाई बने चाहे भाई किसान हो चाहे दिहाड़ी हो चाहे मजदूरी हो सब काम सबको काम चल है और सन आपकी मजदूरी वगैरह वो टाइम पर मिला है। और देखो की तरीका सु जो कट्टा ही बन लंगा टेर मजा की भाई ये जब मशीन लाग रही ही और ये जो ट्रॉली भर के लेके आये मैंने साफ करके और मनिया लगा की बहुत जल्दी पहला कायड है क्योंकि आ गाजरन देखो साफ भी करी है। भैया आप कब लेके आए थे ये गाजर कल की है की आज की है आज की है कितनी बजे आए थे 9 बजे 9 बजे और यह गाजर जावेगी कड़े भैया ये कहीं भी जा सकती है व्यापारी लेके कहीं भी जा सकती है।
फिर भी मतलब आपने अड़े गंगानगर हनुमानगढ़ में ही है बारे नहीं में? नहीं बारे पटना आगे दूर तक सप्लाई है। तो ये जो गाजर ये थे 9 बजे लाए और कितना कट्टा हुआ है लगभग? ये हो ही जाएंगे 70 से 80 कट्टे। 70 80 कट्टा। और मतलब भाव भाव किसो के मिलने लाग रहे हैं? भाव कल तो ठीक ही है। थारे साधु वाली की गाजर इतनी फेमस का है? बस एरिया फर्क है, पानी पुनी जमीनी पानी है जो थोड़ो सुटेबल है गाजर खातर बढ़िया है। भाई बहुत पालो पड़न लाग रहे, बहुत सर्दी हो रही है, दोपहर के टाइम पर भी जा धूप निकले। नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये बताओ कि गाजर ही ये कितना कट्टा भर लिया सुबह थे? देखो जी गाजर है जैसे किसान लाते हैं वो धुलाई करके भर देते हैं, अगर सुबह से जल्दी चल जाए 6 बजे से, फिर शाम तक एक मशीन 400 कट्टे धुलाई करती है। और बस एक मशीन के ऊपर अब जब सीजन स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन है 200 से लेके 350 गट्टे एक मशीन धुलाई कर रही है। जेका मैं लेबर एक गट्टे की आपकी मशीन ट्राली मशीन में खाली करेगी, गाजरा टेकेगी, गट्टा भरेगी, बांग ये 20 रुपया एक गट्टे की धुलाई, 20 रुपया एक गट्टे की धुलाई लेवेगी। हाँ दिहाड़ियां क्या जी? अब दिहाड़ी 7 बंदा एक मशीन पर चल है, तकरीबन आप मान लियो जी एक आदमी ने 1200-1300 रुपया दिहाड़ी भी ने खरीदेगी एक दिन की। पर साधु वाले की गाजर इतनी क्यों फेमस है, मतलब या ये मंडी या इतनी क्यों फेमस है? देखो जी कठे ही कोनी अठे का जमींदार के करो गाजर बीचा अठे माटी है लाल। हाँ। अरबी पोटास की मात्रा है ज्यादा भी काम इन गाजर को मिठास और रंग ललाई सारा ज्यादा अठेगी है जी। फिर इन अंदर क्या जी जब उगावा आपा तो भी नहरी पानी चाहिए को, यानी कि भी दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, नहरी पानी थोड़ो फीको हुआ भी वास्ते वा गाजर की उगाई में बहुत बढ़िया रहा, अभी अंकुरित बढ़िया हुआ बिंगे बाद में क्या हुआ जी ने खारो पानी ट्यूबवेल को आपा ने देनो पड़े भी उनके इनकी ललाई पूरी हो जाए। दवाई वगैरह कितनी डालो दे ये? ना तो दवाई डले ना इनके अंदर खाद डले, यानी कि पूरी जैविक होया। पूरी जैविक हो? हाँ जी। तो ये जाए बताओ कि लगभग दिन में कितनी गाजर निकल जाती होगी? अट्ठा जी करीबन 10,000 कट्टा डेली निकले। 10,000 कट्टा। और फिर अड्डे की गाजर कड़े जाए ही? अट्ठा की गाजर एक तो आपने पूरे भारत में है जी, फिर अठा बांग्लादेश और श्रीलंका नेपाल भी जावे। अच्छा मतलब की इंडिया के बाहर भी जा रही है? हाँ जी बाहर भी जावे जी। अच्छा इतनी फेमस है साधु वाली की? हाँ जी फेमस है जी, मंडी पूरी फेमस है, तो बाहर का व्यापारी भी हटा हुआ, मैं थाने सामने बोली होगी भी बरसारो डिटेल और बताऊंगा। तो कैसी के बोली चलने? अठा जी बोली चलेगी शाम दोपहर गया 2:30 बजे से, 2:30 बजे से वो शाम को 7-7:15 तक बोली चलती है। तो भी बोली में कुछ रहे? देखो जी बोली में 15 सारा व्यापारी इकट्ठा हो जाए, हमारे गांव की कमेटी बनेड़ी है। कमेटी बनेड़ी है मतलब? देखो जी वहाँ पूरा प्रोसीजर रखे किसान का, कितना इकट्ठा होया है, के भाव होया, तो अगर किसान लेट आ जाए तो वो भी डिटेल ले लेवे, क्यों नहीं तो कोई कह दे जी मैं लियो 500 को गट्टो भी कहने जाओ तो भी कहने सही डिटेल मिलेगी। और ये अंकल जी गाजर के मशीन या कड़ाऊ लाए थे? जी हमारे गांव में ही बना हुआ जी लोकली, फिर बीच में उद्यान विभाग पिछले 2 साल हूँ सब्सिडी देने लाग रहा। बात करें तो यह एक मशीन कितना रुपया की आवे? हाँ मशीन आवेगी जी 1,85,000 की। और यूं मोटी मशीन आवे या इतनी आवे या यूं छोटी भी आवे? नहीं जी यूं बड़ी भी मशीन है वो लेके आनी पड़ती है हरियाणा से। अगर ये मशीन ने झुंझुनू साइड का लेके जाए तो कैसी के पेमेंट वगैरह? देखो जी बैठे हमारे गाँव में आवे मैन्युफैक्चरर मिस्त्री है वो मिलेगा। हाँ। और बैठे वह पहुंच कर देगा, बैठे बना के दे देगा, बैठे पहले आओ इंजन आपको वह कट्टे भी रख सके। पिछले साल तुम्हारा गवर्नमेंट टीम पानी में धुलाई गया एक मशीन पर मंथ 3,000 रुपया लिया। अच्छा अब जी बीजेपी सरकार आई है बन माने छूट दे दी मारो कोई पीसो को लगन लाग रहे हो। और अब की बार जो प्रेजेंट में बीजेपी सो आया ही बाको के रंग ढंग है? नहीं जी बांगो बढ़िया रंग ढंग है जी, हमारे गांव को हमारे सागे जमींदार आदमी है, बढ़िया आदमी सारा उठ बैठ करे बहुत बढ़िया आदमी है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ने पिछले साल लगा के हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ हर मशीन पर 15,000 को अतिरिक्त बोझ डाल दियो। तो भाई अंकल जी अपनी आप बीती बता रहे हैं इनके बोली देखो लास्ट वाली पूछ ये चूच है ये जो इसमें ना जो सफेद होती है। हाँ। वो ये मशीन इसको तोड़ देती है। अच्छा हाँ जो छोटी है वो हाँ। भी अपने आप निकल जाती है इसमें, और जो लंबी है और सफेद है ना वो ये मशीन जो कच्ची होगी उसको ये मशीन तोड़ देगी। बताओ किसान इतनी मेहनत करी किसान ने कुछ मिलन लाग रहे है कौन मिलन लाग रहे हो मेहनत के अनुसार? देखो जी इस सीजन तो मिल रहा है और इसमें जैसे गाजर का उत्पादन इसमें यहाँ ज्यादा आने लग जाएगी गाजर तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और ज्यादा रेट कब मिली? देखो जी ज्यादा रेट तो ये होता है कि इस बार क्या बारिश हो गई हरियाणा और पंजाब में गाजर का उत्पादन कम है तो इस बार
अच्छा भाव मिल रहा है लोगों को। तो यह मशीन थारी है कौन की है? अच्छा यह थारी है। तो अभी एक अंदर कितनी देर में गाजर धुल जाए? देखो जी पहले जब गेरन चला भी 10-15 मिनट लगे ड्रम तैयार होता भी बाद में कंटिन्यूस ही चलती रहती। हाँ फिर भाई चलती रहेगी पूरी ट्राली धूपेगी इतने तक मांगी चलती रहेगी कट्टा भरता रहेगा। और अंकल जी जो यो माटी को पानी जा रहे है यो पानी तो फिर आगे सप्लाई हो रही है लोग इन पी रहे भी काम भी ले रही। बेटे ले तो रहा इसके गवर्नमेंट हमें और साधन दे तो उस पे लगा लेंगे। नहीं ये तो है ही है इसमें हम भी सोचते हैं भाई रोजाना कम से कम भी 500 ट्राली माटी नहर के अंदर जा रही है। तो खड़े ना खड़े ये भी तो गलती बात है ना। गलत बात है जी इसके लिए गवर्नमेंट को अपना अलग से कोई देना चाहिए फंड साफ करके। इसी का तो वो हमारे से पिछली सरकार ने 3000 रुपया लिया है। इसमें से जो बालू रेत निकलती है ना वो भी एक आरडी 1.5 से 2 लाख रुपए में गवर्नमेंट ने ठेका पे दिया है। तो बीजेपी सरकार होते खुश हो गया? खुश तो है जी बीजेपी से। बीजेपी से फुल खुश है जी। इनकम कर रहे हैं हमसे वो पहले यहाँ से भी ले लिया उधर से रेती निकाली हमने उधर से भी हमसे दोबारा भी ले लिया और सफाई फिर नहीं करी। सफाई आपके सामने वो देखो आप हो रही है कोई सफाई है उधर ये देखिए बिल्कुल इतनी कमाई है कि अगर राज्य सरकार इसमें से अपने लिए भी पैसा बचा सकती है और इस नहर की पूरी स्पाइक करा के इसकी पूरी लाइनिंग भी अच्छी से रख सकती है वो। अच्छा। पर रख नहीं रही है, भी नहीं है। मैडम पूरी आप इधर मैडम इधर आप सर देखिए भैया यहाँ तो दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा सूख लो काम हो रहे हो तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैम कुछ इसका ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। ये हमसे 3000 रुपए ले कोई बात नहीं इसको पक्का बना के दो लाइटें लगा के दो। कोई लाइट भी नहीं है इधर रात को जो जमींदार परेशान हो रहा है धोने दो उसको। और ये कितनी दूर में चल रहे हो यो धोने वाला सिस्टम? यो वहाँ से आपकी नजर जा रही है वहाँ तक धुलाई दे रही है ये मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर। हाँ 1.5 किलोमीटर। अंकल जी अगर तारे नहर ने लेकी या कोई कोई शिकायत है तो वो भी थे बता इसको कि भाई कोई चीज न लेकी तन प्रशासन या सरकार परेशानी दे रही है किसाना ने दिक्कत देने लग रही है तो तेरी दिक्कत भी जाहिर कर सको। दिक्कत है राज्य सरकार से नहीं हमें दिक्कत है सिर्फ पंजाब सरकार से। वो नहर में कट डाल के और वहाँ के किसान पानी लगाते हैं और उसके लिए सरकार को थोड़े कदम उठाने चाहिए। भाई जो ये गंग कनाल है की जो जमीन है वो पहले भी गंगा सिंह महाराज की ली हुई है मोल उनको पैसा दिया हुआ है और फिर भी वो अपनी ये इसका कट करे तो उस पे कट नहीं करे। पहला पानी वो आप पंजाब यूज करे। पंजाब सरकार बातचीत करनी चाहिए? नहीं जी करण तो लाग रहा है पर मैं मानना ही को नहीं। जद की आगे गठजोड़ो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को इसमें क्या क्या इन्होंने 1 जून से लेके और 31 अगस्त तक इस नहर को बिल्कुल ही बंद कर दिया और सिर्फ 300 क्यूसिक पानी दिया जिससे क्या किसानों की पूरी फसल है वो बर्बाद हो रही थी। नरमे की फसल बर्बाद हो गई पूरी मतलब 5-7 महीने पहले नरमा की फसल चल रही जब की बात कर रहे होते गर्मी टाइम में क्या अठे पंजाब का मुख्यमंत्री आया जी हमारे करणपुर तो बैठे लोगों ने मैंने काला झंडा दिखाया गया मुख्यमंत्री ने कोई बात को लेके बैठे जाते ही गया जी गंग कनाल ने शट डाउन कर दिया जी सारा गेट और 300 क्यूसिक पानी दियो बिंग अंदर जमींदारों ने बड़ी मुश्किल हुई। बिंग बाद में जी वह धीरे धीरे जाके सेंटर वन है थोड़ा समझा के रिंग में वापस 1700 क्यूसिक पानी वह माने देन लाग रहा है। कितना लोगा कोई गुजारो चालन लाग रहा है? देखो जी मारे गंगा साधु वाली गल तमाम आदमी औरत सब ही काम उजड़ रहा है जी और अठे मारे कन्या कन्या का कम कम में 20-25 गाँव के लोग और आगे मशीना पर लागड़ा बने भी गुजारो मिले। अगर आदमी अठे 3-4 महीने एक सीजन कर लिया तो भी पूरे साल कमान की जरूरत कौन पड़े जी। और अंकल जी एक चीज और ये जो गाजर वाली मशीन है एकदम लाल गाजर की ये कोई कलर डालो होगी मशीन के अंदर लाल गाजर क्यों आ जाए? बिल्कुल बेटे इसमें ये क्या ऊपर जो इसके थोड़ी चमड़ी सी होती है ना वो ये मशीन उसको छिल देती है जो ये सरिया सा लाग रही है सरिया अंदर आ गया कोना बने 3 साल बाद में कौन माने दोबारा डलवानी पड़े मैं कोना इन्हें अंदर हूँ इनकी चील भोग रहेगी इनके अंदर को एकदम बढ़िया लाल रंग ले आवेगी जबकि हाथ धोवांगा तो इनका ऊपर की मुछा मछा वह टूटेगी कोनी वह बिया ही रहेगी तो बी गाजर को थोड़ा दिक्कत आवेगी। अगर चिकनी माटी है तो वह माटी आप हाथ को नहीं उतार सका आ मशीन ही उतारेगी सरिया ही। और भाई बी के बाद में जो ये सरिया सा ही जो यो देखो यो कचरो है यो जो कचरो आ रही है जाए की ऊपर भाई बालसा मुझसा भी हो जाए लास्ट की जो की डंडी बच्चे पहुंचड़ी भाभी पूरी की पूरी जा कट है। तो ये जो मशीन है मशीन में खूब प्रेशर पानी डलन लाग रहे है खूब प्रेशर सु ये गाजरी में धुलन लाग रही और अड़े भाई देख रहे होगा की भाई गाजर धुल की और अड़े आगे लास्ट में कट्टा ही भरा जा रहा है घर कि जब मंडी बन जा है तो जो किसान लोग ही बाकी यहाँ तकलीफ होनी होगी क्योंकि लगभग 20-30-40 ट्रक रोजाना जब भरा जा ही और ट्रक का की जब जाम लग है किसान भी परेशान हुई आम जनता भी परेशान हुआ है राहगीर भी परेशान हुई। अगर मंडी बनाए तो मंडी के अंदर ये गाजर जाएंगी
बड़े पैक वैक होके चली जाएंगे, बड़े ट्रक लगेगा, बड़े ट्रक के अंदर जो गाजर ही वह बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करती जाएंगी। और ये नहर को पर भी ध्यान दियो जाए क्योंकि नहर के अंदर बहुत सारी मिट्टी जान लग रही है और अड़े का किसान ही भाई चीज ने मान रहे भी कि अड़े या कोई सुविधा बनाई जाए जो गाजर ही भी अलग धोर ली थोड़ो कि यहाँ भी की तरीका भी राजस्थान सरकार है वो भी का ऊपर काम करे और ये नहर के अंदर गंदगी न जावे, पानी न जावे और आसपास में जो नहर है भी साफ करवानी चाहिए क्योंकि नहर है भी आसपास में कुचा खड़े ही गंदगी पड़ी है। तो आम जनता लोगों ने सबने ध्यान रखना चाहिए और सरकार ने काम करना चाहिए। और साधुवाड़ी की गाजर ही बहुत ज्यादा फेमस ही किसानों भी आपस में काफी बातचीत तबा करिए बाकी जो समस्या है समस्या भी रखी है और किसान भी बताने लग रहा है एक अंकल जी भी बताने लग रहा है कि भाई अब की बार मंडी के अंदर अच्छो किसानों रुपये ही भी मिलन लग रहे हैं और चारों तरफ एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी के अंदर यो जो साधु वाली के अंदर गाजर ही दुलन लग रही। तो वीडियो शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करियो। राम राम जी।